14 में उबैसी जी नहीं लड़े थे यहाँ। उबैसी साहब 14 में नहीं लड़े तो 75 सीट जीती भारतीय जनता पार्टी। 17 में उबैसी साहब नहीं लड़े, 20-25 सीटों में लड़े होंगे, 330 सीट जीती बीजेपी। तो कौन बीटीएम था? सपा बसपा का गठबंधन सबसे मजबूत गठबंधन था 19 की पार्लियामेंट में, और 75% मुस्लिम वोटर्स ने उनको सपोर्ट किया, और तो भी 65 जीत गए। ओबैसी तो नहीं लड़े थे, तो कौन था बी टीम? बी टीम जो है वो नहीं कह रही है। देखिए अभी अभी एक परिवार की बहू चली गई है बीजेपी में, जी हैं, जो अपने को कहते हैं कि हम बी टीम नहीं हैं, हैं? अभी उनके चाचा जी सीधे बीजेपी के साथ रहे 5 साल, हैं? तो अब आप समझिए कि बी टीम कौन है। बी टीम ओबैसी साहब नहीं है, वो तो खुल करके बीजेपी के खिलाफ हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है लोगों को कि जितना हम बीजेपी के बारे में बोलते हैं उतना समाजवादी पार्टी की हकीकत भी हम लोगों को बता रहे हैं। नमस्कार, आप जन संदेश देखना शुरू कर चुके हैं और मैं कीर्ति इस वक्त मौजूद हूं बाबू सिंह कुशवाहा के साथ। उनसे सवाल जवाब करेंगे। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अब भारतीय परिवर्तन मोर्चा के संयोजक, जो कि अब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की 403 सीटों पर उन्होंने घोषणा की। 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, चौथे चरण की तैयारी है, तो उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि 3 चरणों में वो अपनी जमीन कहाँ तक तलाश पा रहे हैं और चौथे चरण और आगामी चरणों को लेकर उनकी क्या तैयारियां हैं। बाबू सिंह कुशवाहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, क्या लग रहा है आपको अभी तक, क्या स्थिति देख रहे हैं? 3 चरणों के चुनाव में जहाँ हमारे प्रत्याशी थे वहाँ हम लोगों का बहुत अच्छा प्रदर्शन है, और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के जहाँ जहाँ कैंडिडेट हैं लोगों का अच्छा सपोर्ट है, अच्छा समर्थन है। कल जो वोट पड़ा है ये आप कह सकते हैं कानपुर, आगरा मंडल, बुंदेलखंड में, जी इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस है और बहुत अच्छे हमारे प्रत्याशी लड़े और बहुत अच्छा रिजल्ट है। अभी भी चौथे चरण में चुनाव होने वाला है, पिछड़ी जाति का बड़ा चेहरा माने जाते हैं, तो अभी क्या लग रहा है आपको? जिस तरह से आपने अभी ये परिवर्तन मोर्चा, जो आपने AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के साथ भी आए हैं, तो कहीं लगता है कि इससे कुछ नुकसान होगा या फायदा देख रहे हैं नहीं, किसका नुकसान फायदा होगा? आपका? क्योंकि कहा जाता है ओवैसी को हमेशा बी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की, तो ये नहीं लगता कि इसकी वजह से कहीं वोट ना कट जाए? नहीं, कौन कहता है बी पार्टी? ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी जी को जी, कौन कहता है बी टीम? ये जनता कहती है कि जिस नहीं, तरह से कौन वो जहां पर जनता? भी नहीं, आते कौन हैं। जनता कहती? जनता नहीं कहती, कुछ लोग जो कहते हैं उनको बताइए आप कि कौन जनता कहती है। देखिए आप ये कहें अगर कि समाजवादी कहती है तो मैं मान सकता हूँ वही लोग कहते हैं। 14 में ओबैसी जी नहीं लड़े थे यहाँ। ओबैसी साहब 14 में नहीं लड़े तो 75 सीट जीती भारतीय जनता पार्टी। 17 में ओबैसी साहब नहीं लड़े, 20-25 सीटों में लड़े होंगे, 330 सीट जीती बीजेपी। तो कौन बीटीएम था? सपा बसपा का गठबंधन सबसे मजबूत गठबंधन था 19 की पार्लियामेंट में, और 75% मुस्लिम वोटर्स ने उनको सपोर्ट किया, और तो भी 65 जीत गए। ओबैसी तो नहीं लड़े थे, तो कौन था बी टीम? बी टीम जो है वो नहीं कह रही है। देखिए अभी अभी एक परिवार की बहू चली गई है बीजेपी में, जी हैं, जो अपने को कहते हैं कि हम बी टीम नहीं हैं, हैं? अभी उनके चाचा जी सीधे बीजेपी के साथ रहे 5 साल, हैं? तो अब आप समझिए कि बी टीम कौन है। बी टीम ओबैसी साहब नहीं है, वो तो खुल करके बीजेपी के खिलाफ हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है लोगों को कि जितना हम बीजेपी के बारे में बोलते हैं उतना समाजवादी पार्टी की हकीकत भी हम लोगों को बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने भी वोट लिया मुसलमान का, पिछड़े का, और कहा कि हम बीजेपी से आपको बचाएंगे। बीजेपी ने हिंदुत्व के नाम वोट लिया और सब कहा कि हिस्सा मारा, और मुसलमान का उत्पीड़न किया, दलित का किया, पिछड़ों का किया, और समाजवादी पार्टी कहती है कोई बात नहीं मैं बीजेपी से आपको बचा लूंगा। तो बीजेपी से बचने के नाम पर वो हमारा वोट लेता है, फिर वो भी हमारा हक हिस्सा खाता है, हमारे बच्चों का हक हिस्सा खाते हैं। तो इसलिए उन्हें ये पीड़ा हो रही है कि ये बैकवर्ड लीडरशिप और माइनॉरिटी लीडरशिप कैसे खड़ी हो रही है।
अगर ये बैकवर्ड लीडरशिप और मुस्लिम लीडरशिप ना खड़ी हो तो ये वोट बैंक उनका बना रहेगा, पिछला कूट बना रहेगा। और जब वो खड़े हो रहे हैं, अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं, भागीदारी की बात कर रहे हैं, तो उनको तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है, इसलिए लोग ऐसी बातें कहते हैं। और हमारी तो आपसे भी अपील रहेगी कि आप जब आइएगा तो ये बताइएगा कि कौन कह रहा है, तो फिर मैं आपको और अच्छी तरह बताऊंगा। आपने कह दिया कि अगर वो जो भी कह रहे हैं, आपने आप सीधे तौर पर कह दिया, लेकिन लड़ाई जो है आप लोगों की, वो सबसे सीधे तौर पर किसके साथ है? देखिए, लड़ाई तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वैचारिक तौर भी पर भी और फील्ड में भी। हम बीजेपी को नहीं चाहते कि बीजेपी की सत्ता है, लेकिन हम बीजेपी की सत्ता नहीं चाहते तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आ जाए। हमें चाहते हैं जो गरीब की, कमजोर की, किसान की, मजदूर की, हित की बात करे, उसके साथ लोगों को खड़ा होना चाहिए। वो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा है। लोगों को न सपा पसंद है, न बीजेपी पसंद है। लोगों का मन बन रहा है कि अब की बार हमें भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को जिताना है। लेकिन जिस तरह से अभी 3 चरणों के चुनाव हुए, हालांकि वोट प्रतिशत इस बार कम पड़ा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि गांव की जनता जो है वो वोट कर रही है, भरपूर कर रही है। और वो कह भी रहे हैं कि अभी भी उन्होंने दावा किया तीसरे चरण के चुनाव में कि 16 में 59 सीटें हुई हैं, उसमें 50 सीटें हमारी आ रही हैं। तो क्या लग रहा है अभी आपका मन क्या बोल रहा है, और जमीनी आपने तलाशने की कोशिश की होगी, तो क्या सपा की ओर इस बार ज्यादा वोट जा रहा है? आपका सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी को ज्यादा वोट मिल रहे हैं? कौन कह रहा है ऐसा? देखिए, ये तो आपको पता चलेगा 10 मार्च को कि लोग किसको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। लोग दावा कितना भी करें, समाजवादी भी दावा कर रही है, बीजेपी भी दावा कर रही है। हम इतने कह रहे हैं कि हम अपनी बात लोगों के बीच में रख रहे हैं, हमें जो लोगों का रिस्पांस मिल रहा है वो अच्छा मिल रहा है। अब बाकी तो 10 को पता चलेगा कि लोग हमें कितना लाइक करते हैं, लोग कितना आशीर्वाद हमें देते हैं या और किसी को देते हैं। अभी 7 चरण तक के और चुनाव बाकी हैं, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? जनता के बीच जाके कौन से वो जो तमाम वादे हैं वो आप और बताने वाले हैं, पुख्ता करने वाले हैं, विश्वास पैदा करने वाले हैं? देखिए, आज भी मैं और उबैसी साहब गए थे जी। हम लोग गए पहले सुल्तानपुर इशौली और सुल्तानपुर सदर और एक सीट और है, 3 कैंडिडेट थे हमारे। आप पता करिएगा, बहुत बड़ी भारी लोग इकट्ठा थे, बहुत बड़ी सभा थी। उसके बाद गए हम प्रतापगढ़ के विश्वनाथगंज, रानीगंज, प्रतापगढ़ सदर, तो 4 सभाएं करके आए। और चारों सभाओं में आपको कहीं भी 20,000 से आदमी कम नहीं दिखेगा अगर आप पता करेंगे। तो लोगों का जो उत्साह है, लोग अगर हमारे बात सुनने के लिए आ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि ऐसे आ जा रहे हैं। हमें भरोसा है, पूरा वोट करेंगे, वो समर्थन करेंगे और हम बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे। देखिए, हम 403 सीटें लड़ने के लिए हम लोगों के लक्ष्य था, लेकिन हमारे कम से कम नहीं तो 30-35% खारिज हुए हैं, जो अकेले जन अधिकार पार्टी के खारिज हुए, प्रशासन ने खारिज किया। दूसरा कुछ उनके MIM के भी पर्चे खारिज हुए, तो हम लोग 403 में नहीं दाखिल कर पाए। लगभग हमारे 300 कैंडिडेट हैं, उसमें MIM के, हमारे जाप के, जन अधिकार पार्टी के, कुछ भारतीय वंचित समाज पार्टी के, कुछ भारतीय मानव समाज पार्टी के, कुछ हमारे जनता क्रांति पार्टी के, कुछ हमारे अपनी जनता पार्टी है। तो ऐसे सब लोगों के मिला के लगभग 300 कैंडिडेट हैं और लगभग हम लोगों ने 20 इंडिपेंडेंट जो हमारे साथी थे उनको हमने समर्थन किया है। ऐसे हमारे लगभग 300 कैंडिडेट हैं और बहुत मजबूती के साथ हम लड़ रहे हैं। और आपको मैं ये कह सकता हूँ कि चौंकाने वाले रिजल्ट भी आ सकते हैं 10 तारीख को, वेट करिए 10 मार्च तक। लेकिन परिवर्तन मोर्चा के साथ जाना, और जब अखिलेश यादव ने कहा कि हम सब छोटे दलों को एक साथ लाना चाहते हैं और एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो बाबू सिंह कुशवाहा के मन में क्यों नहीं आया गठबंधन करने का और एक मजबूती के साथ खड़े होकर अलग पार्टी ना बनाते हुए किसी बड़े दल के साथ गठबंधन करने का? समाजवादी पार्टी के लोग हमसे गठबंधन नहीं करना चाहते। अच्छा। वो नहीं चाहते हैं कि कोई हक अधिकार की बात करे, कोई हिस्सेदारी की बात करे। उनको चुपचाप उनके साथ पीछे रहने वाला आदमी चाहिए जो अपने हक अधिकार के बारे में न सोचे, वो टिकट ले ले, जीत जाए या मंत्री मंत्री बन जाए, लेकिन मुंह मत खोले। अगर बच्चों की भर्ती का मामला आए, हक अधिकार की बात आए, न्याय अत्याचार की बात आए, तो वो चुप रहे। तो
वो हमसे नहीं करना चाहते थे, तो 3-4 महीना पहले हम लोगों की मुलाकात जरूर हुई थी, लेकिन सच ये था कि वो हमसे नहीं करना चाहते। तो ओम प्रकाश राजभर जी का उनके साथ जाना कैसे हुआ? ओम प्रकाश राजभर जी गए हैं, उनका एक अपना क्षेत्र है कुछ जिलों में, तो लेकिन जन अधिकार पार्टी का बेस तो पूरे उत्तर प्रदेश में है ना, 403 सीटों में है। 403 सीटों के साथ साथ जहाँ जहाँ हम काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, तो सब जगह हम थोड़ा थोड़ा शुरू किए हैं। तो जन अधिकार पार्टी कोई एक जगह पर नहीं है, उत्तर प्रदेश की पूरी 403 जगह में है, चाहे 100 आदमी हो विधानसभा में हमारा समर्थक, हमारा सब जगह संगठन है, हर जिले में संगठन है, तो जन अधिकार पार्टी से करने में दिक्कत है उनको, वो नहीं करेंगे। आपने कहा 300 सीटों पर लगभग प्रत्याशी उतार दी है आपने, 300 सीटों पर आपके प्रत्याशी लड़ रहे हैं, उन 300 सीटों पर क्या लग रहा है अनुमान आपका कि कितनी सीटें आप अपने पक्ष में ला पाएंगे? जितने में लोग आशीर्वाद दे देंगे, लोगों में जितना में जनता हमें स्नेह देंगे, आशीर्वाद देंगे, उतनी जीत जाएंगे। और स्नेह अगर ज्यादा मिलता है, आपको लगता है कि सरकार बनती है, तो मुख्यमंत्री जो होंगे वो दो चेहरे, एक तो आपका चेहरा पहले ही घोषित कर दिया गया था क्योंकि पिछड़ी जाति का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं, तो आपका नाम पहले ही था, दलितों के अभी तक वो घोषित नहीं हुआ था, लेकिन असदुद्दीन साहब आए और वो लगातार मुस्लिमों के हक की बात करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे में मुसलमान किसी प्रत्याशी का होना ये क्यों नहीं आ रहा? नहीं, तो हक की बात करते हैं तो क्या गलत कहते हैं, हम तो दोनों मिल के सबके हक अधिकार की बात कर रहे हैं, हक हकूक की बात कर रहे हैं, भाईचारगी की बात कर रहे हैं, सबको हिस्सा मिले हर क्षेत्र में उसकी बात कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। आपको मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं? मुख्यमंत्री का चेहरा भी हो जाएगा, कोई उसकी बात नहीं है। हम लोग 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहा है कि हम लोगों ने मोर्चे की तरफ से कि बनाएंगे, उसमें एक अल्पसंख्यक से मुसलमान समाज का होगा। अच्छा, ये आप बोल रहे हैं कि एक अल्पसंख्यक से होगा? वो तो हम बोल रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं, सभी जगह बोल रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ बाबू सिंह कुशवाहा जी, उन्होंने कहा कि 300 सीटों पर प्रत्याशी उतार दी है, तैयारी पूरी है, जीत दर्ज होती है तो समाज के लिए, पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के हक के लिए और तमाम जितने भी लोग उनके साथ, जितनी भी पार्टियां जुड़ी हुई उन सबके हक की बात होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे आपके साथ, आप देखते रहिए जनसंदेश।